कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो है उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया, ताजिमुल, ये ताजिमुल अक्का जेसीबी, तो ये जेसीबी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये जेसीबी पार्क कहां होती है? ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा, तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है, सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो। आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी ताजिमुल अक्का जेसीबी, ये आपके यहां पार्क्ड है? दूसरा सवाल यह है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है? तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। मैं पूछना चाहूंगा, आज जो विपक्षी दल, जो घमंडिया संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके खड़े रहते हैं, क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो इससे सहमत है? ममता बनर्जी, ये मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का, ये मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का, ये मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है, और ये मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, ये मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता, खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है, अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा, हमने देखा स्वाति मालीवाल जी के साथ भी क्या किया। अब बताइए, जो घमंडिया संविधान पकड़ता है हाथ में, जो संविधान की मूल भावना है उसको तार तार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, महिला की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, और केवल भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इस मुद्दे को उठा रही है और उस महिला और उस युवक के साथ खड़ी है, क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे?
और चिंता की बात यह है कि चाहे वो ताजिमुल हो और चाहे वो हमीदुल रहमान हो, टीएमसी के एमएलए, वो ये नहीं कहते हैं कि ये निंदनीय है, वो इसको सही ठहराते हैं, वो इसको मुस्लिम देशों में जैसे न्याय होता है उससे तुलना करके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब तालिबान राज हो गया है, अब ये कानून से नहीं चलेगा, किसी भी महिला किसी भी युवक को पकड़ो, खुद ही तय कर दो कि उसने गलत किया है और सजा दे दो। ममता बनर्जी संदेश खाली हो, चाहे चुनाव से पहले और परिणाम आने के बाद हिंसा की वारदातें हो, बलात्कार हो, हत्या हो, और अब उत्तरी दिनाजपुर में ये जो निंदनीय कृत्य हुआ है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये मांग हम उठाते हैं कि ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल अब आपसे संभल नहीं रहा है, वहां की जनता ये सवाल पूछ रही है जो हम इस मंच से उठा रहे हैं। आई विल जस्ट ऑल्सो समराइज इन इंग्लिश इन शॉर्ट सो दैट इट रीचेज एवरी सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इन चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर देर इज अ इंसिडेंट दैट हैज टेकन प्लेस वेयर अ वुमन हैज बीन फ्लॉग्ड फिजिकली अब्यूज्ड अलोंग विद अ मैन एंड दिस हैज बीन डन एट अ पब्लिक प्लेस violating their dignity, violating their fundamental right to associate with each other. What puts the entire country to shame is the fact that Mamata Banerjee has not spoken a word on this. She being a woman, and a woman chief minister who has taken oath under the constitution of India should have been the first one to come out and condemn this incident. And what makes the matter worse is the fact that the accused Tajimul happens to be a TMC leader. He's a habitual offender. He believes in quick justice, Kangaroo Court Justice, and he calls it Insaaf Sabha. Mamata Banerjee also holds the portfolio of Home Ministry. Therefore, she is the one who is guilty because law and order is completely collapsed in the state of West Bengal. She should resign forthwith, as she is not being able to ensure that law and order prevails in the state of West Bengal. Rather, it is worrisome, it is sad that an MLA of the TMC named Hamidul Rahman, when asked a pointed question on this ghastly incident, he justified it by saying, this kind of justice and this kind of criminal system prevails in Islamic nation, thus endorsing the Talibani style of dispensing justice in a country. Right, because the Bharatiya Janata Party has been charging at the Bengal government over specifically this case that you see on your screen. TMC has also responded to it. Just to give you a background, the man you see beating a woman and a man in front of a crowd, he has now been taken into custody. He's been arrested by the Bengal police. Here's what the TMC has to say about this now.
चोपड़ा में जो हुआ है तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस दो मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी रूल आधा स्टेट जो है पूरा देश में, वहां पर भी ऐसा हादसा होता रहता है, लेकिन बीजेपी के कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है, और अगर ये बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल में ऐसा हो सकता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटीज से बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है।